हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स से मजबूत, सुंदर और टिकाऊ फ्लावर वास। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मीडियम साइज कार्डबोर्ड बॉक्स, न्यूज़पेपर या वाइट कलर शीट, क्लॉथ मटेरियल पीसेस, वाइट सीमेंट पाउडर और फेविकॉल, ग्लू गन, ग्लू स्टिक और सिज़र। इन मटेरियल्स के साथ आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें वाइट पाउडर, जिसको हम बिल्ला कुट्टी भी कहते हैं, फेविकॉल और पानी के साथ मिक्स करना है और उसका पेस्ट बनाना है। फिर पेस्ट को हम बॉक्स पे ब्रश से इवनली स्प्रेड कर देंगे। वाइट सीमेंट पाउडर से हमारा बॉक्स बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। अब हमें बॉक्स को क्लीन और ब्राइट लुक देने के लिए व्हाइट शीट को बॉक्स पे आराम से रैप करना है, और क्योंकि हमने फेविकॉल को ऑलरेडी व्हाइट सीमेंट पाउडर के साथ मिक्स करके स्प्रेड कर दिया है, इसीलिए अब हमें व्हाइट शीट के लिए अलग से ग्लू नहीं लगाना है। इससे ये प्रोसेस थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है। फ्लावर्स को बॉक्स में सेट करने के लिए हमें बॉक्स की एक साइड में ओपनिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सिजर्स या कोई भी शार्प टूल से एक छोटा होल बना लें। व्हाइट शीट को रैप करने के बाद अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हम हमारे फेविकॉल मिक्स का एक और कोट स्प्रेड करेंगे। एक और कोट से हमारे बॉक्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो जाएगी और आसानी से खराब नहीं होगा। कोटिंग देने के बाद अब हम बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए फैंसी क्लॉथ मटेरियल से रैप कर देंगे और ग्लू गन से बॉक्स की एजेस पे क्लॉथ के एंड को पैक कर देंगे। हमने यहाँ सिल्वर सीक्वेंस नेट क्लॉथ का यूज किया है। आप वेलवेट क्लॉथ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। बॉक्स के टॉप और बॉटम साइड के लिए हमने सेम कलर बट अलग डिजाइन का यूज किया है। टॉप और बॉटम को हमें ग्लू गन से ही चिपकाना है, पर यहाँ हमें एक्स्ट्रा साइज को ट्रिम करना है और फोल्ड करके कॉर्नर पे पैक करना है। हमारा वास ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें हमारे फ्लावर बंच को वास में सेट करना है। हमने फ्लावर को सेट करने के लिए पहले ही होल कर लिया था बॉक्स की टॉप साइड पे, तो हम वहीं पे सिजर्स से एक होल शेप कट कर देंगे। अब हम वास में फ्लावर बंच को सेट कर देंगे।
सस्ता और सुंदर फ्लावर वास तैयार है। ऐसे और आइडियाज के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करिए और आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।